टीवी के दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस से पिछले हफ्ते एलिमिनेट हो चुकी कंटेस्टेंट सपना चौधरी ने बताया कि वह किसी मकसद से बिग बॉस हाउस में नहीं गई थी। उन्होंने कहा कि बात बस इतनी सी थी कि सभी का सपना होता है कि एक घर हो, फैमिली हो और थोड़ी सी पॉपुलैरिटी हो। सपना ने कहा कि बिग बॉस उनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म था। हरियाणा की जनता से मिले प्यार के बारे में सपना ने कहा कि उनके लिए मैं जितना भी कहूँ कम है, थैंक यू शब्द भी उनके लिए छोटा पड़ जाएगा। सपना ने यह भी साफ कर दिया कि यदि उन्हें बिग बॉस हाउस में वाइल्ड कार्ड एंट्री दी भी जाती है तो वह घर में नहीं जाएंगी। सपना जल्द ही अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म का नाम है भांगओवर। फिल्म में सपना का एक आइटम नंबर भी है जिसके बोल हैं लव बाइट। सपना ने कहा लोगों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी। बता दें कि बिग बॉस हाउस में सपना चौधरी की बहुत धमाकेदार एंट्री हुई थी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने उनके साथ डांस किया था। घर के भीतर सपना चौधरी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने जहां कई दोस्त बनाए वहीं अर्शी खान को सबक सिखाने से भी वह कभी नहीं चूकी। इसके साथ ही ग्रैंड फिनाले में नहीं देखने को मिलेगा सपना के डांस का तड़का। न्यूज रूम से सृष्टि की रिपोर्ट। टीवी जगत की लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हिंदी टॉक।